गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल वेलकम बैक अगेन क्लास थर्ड एस एस टी सो दिस इज़ योर एस एस टी वीडियो एंड यस्टरडे वी हैव डिस्कस आर टॉपिक टिल एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स एंड टूडे डिस्कस फ्राम आर अर्थ आर अर्थ मीन्स हमारी धरती हमारी पृथ्वी के बारे में है अर्थ इज़ द ओनली प्लानट डेट हैज़ लाइफ ऑन इट हमारी अर्थ ही वो प्लानट है जहाँ पर क्या है लाइफ है यानी कि जहाँ पर हम रह सकते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं सांस ले सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं इन एंशियन टाइम्स प्राचीन काल की बात है पीपल बिलीव डैट लोगों का ये मानना था डैट अर्थ वॉज फ्लैट कि अर्थ कैसी दिखती थी फ्लैट दिखती थी एकदम जैसे प्लेन्स होते हैं मैदान होते हैं नॉर्मल वैसी दिखती थी दे थॉट दैट उनका ये मानना था दैट इफ अ पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट अगर एक पर्सन सीधा चलना शुरू करे इन एनी डायरेक्शन किसी भी दिशा में चाहे ईस्ट चाहे वेस्ट चाहे नॉर्थ डैट पर्सन वुड फॉल ऑफ अर्थ्स एज वो पर्सन अर्थ के किनारे से गिर सकता है हाउ एवर लेटर इट वॉज प्रूव डैट लेकिन बाद में ऐसा प्रूव किया गया डैट अर्थ इज फेरिकल कि अर्थ की शेप कैसी है ये गोला आकार की है डैट इज़ अ लिटिल फ्लैट एट द टॉप ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट और नीचे बॉटम मीन्स नीचे से भी जैसा कि एक क्या होता है ऑरेंज होता है संतरा होता है उसी की तरह हमारी अर्थ की शेप भी है सो so, अर्थ ही हमारा वो प्लानट है जहाँ पर हम सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पर लाइफ है नेक्स्ट टॉपिक क्या है एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर क्या होता है एटमॉस्फेयर एक लेयर है एयर की जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर अर्थ के चारों तरफ क्या है एक हवा की लेयर है दिस एयर कंसिस्ट ऑफ गैसेज और इसी हवा में बहुत सारी गैसेज हैं और मेन गैसेज कौन सी हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इट इंक्लूड उसके अंदर क्या आता है वाटर पानी भी है डस्ट पार्टिकल्स भी हैं दिस लेयर इज कॉल्ड द एटमोसफेयर इसी लेयर को क्या नाम दिया गया है एटमोसफेयर का वो लेयर हवा की जिसके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उस हवा को उस हवा की लेयर को क्या नाम दिया गया है एटमॉस्फेयर का नाम दिया गया है द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स आर अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन और यही जो हमारी एयर की लेयर है हमें प्रोटेक्ट्स मीन्स बचाती है किससे फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन सन की अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल रेज़ जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है इट ऑल्सो कीप्स द टेम्परेचर ऑफ़ द अर्थ सीइटेबल टू सस्टेन लाइफ और ये अर्थ के टेम्परेचर को एक नॉर्मल डिग्री पे मेंटेन करके रखती है जिससे कि हम यहाँ पर रह सकें इन अ प्रॉपर मैनर सही ढंग से एक सही टेम्परेचर होता है नॉर्मल जिससे हम यहाँ पर सर्वाइव कर सकें जो हम सभी के लिए क्या हो सुइटेबल हो हमें सूट करता हो हमारे अकॉर्डिंग हो द शेप ऑफ अर्थ इज स्पेरिकल देखिए ये अर्थ की शेप दे रखी है इट जस्ट लुक लाइक एन ऑरेंज की तरह लगती है हमारी अर्थ जो कि स्पेरिकल है राउंड है नेक्स्ट टॉपिक क्या है सरफेस ऑफ द अर्थ अर्थ का सरफेस कैसा होता है इसकी सतह कैसी है अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड वाटर सभी जानते हैं हमारी जो अर्थ है उस पर क्या है धरती पर धरती भी है लैंड भी है और वाटर पानी भी है नियरली टू थर्ड ऑफ अ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर और पानी से हमारा कितना चौथा है टू थर्ड टू थर्ड एरिया हमारा पानी से कवर्ड है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कवर्ड बाय लैंड और बाकी पार्ट लैंड से कवर्ड है अराउंड सेवेंटी वन परसेंट पार्ट हमारा वाटर से कवर है ढका हुआ है और ट्वेंटी नाइन परसेंट हमारा लैंड से द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं लैंड के धरती के पृथ्वी के इन्हें हम क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं महाद्वीप बोलते हैं हमारे पास क्या ये सेवन है लैंड को सेवन भागों में बांटा हुआ है कॉन्टिनेंट सेवन होते हैं हमारे पास एंड नेक्स्ट क्या है द ह्यूज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियंस और वो एरिया लार्ज एरिया जो कि कॉन्टिनेंट्स के बीच का होता है जो पानी वाला होता है वाटर बॉडीज़ के नाम से जाना जाता है उसे हम क्या बोलते हैं ओशियंस यानी कि समुद्र का एरिया महासागर और हमारे पास कितने ओशियंस होते हैं फाइव होते हैं और कॉन्टिनेंट्स हमारे पास सेवन होते हैं सो ऑन आर नेक्स्ट